नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुद्रा न्यूज। बात करते हैं आज की सिलेक्टेड और काम की मुख्य खबरों पर। सचिन पायलट बोले, अब तक 20 करोड़ को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उदयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा को निशाने पर लिया, बोले वायदे को पूरा नहीं कर पाई बीजेपी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सातवां दिन आज अरुणाचल पहुंचेगी। राहुल बोले, भाजपा और RSS दिल्ली से हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते हैं। पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा, श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम मंदिर जाएंगे, ये दोनों जगह भगवान राम के जीवन से जुड़ी। डोटासरा बोले, राज्यपाल ने दिल्ली से छपकर आया विभाषण पढ़ा, पद का मान सम्मान नहीं रखा। दुनिया की सबसे ऊंची अम्बेडकर की मूर्ति का इनोग्रेशन, 206 फीट ऊंचाई, 404 करोड़ रुपए हुए खर्च, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस दिया गया नाम। अयोध्या से पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकी पन्नू गैंग के मेंबर, नक्शा लेने आए थे रामनगरी, सीएम योगी को जान से मारने के दी थे धमकी। सीएम हाउस में नीतीश लालू तेजस्वी की मुलाकात, डिप्टी सीएम बोले गठबंधन पूरी तरह मजबूत, मांझी ने विधायकों को पटना में रहने के दिए निर्देश। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की पहली तस्वीर, 4.5 फीट की प्रतिमा, इस पर विष्णु के 10 अवतार, ओम स्वास्तिक शंख चक्र भी मौजूद। पेपर लीक मामले में SOG की छापेमारी, सूचना सहायक एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए सख्ती, 150 आरोपियों पर लिया एक्शन। जयपुर से अयोध्या के लिए चलेगी फ्लाइट, सप्ताह में 4 दिन भरेगी उड़ान, महज 1.45 घंटे में पहुंचेगी अयोध्या। नई शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षक करेंगे आंदोलन, प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में हजारों शिक्षकों ने भरी उकार, कहा 1,00,000 पद खाली, उन्हें भरे सरकार। चंद्रयान 3 का लैंडर अभी भी मददगार, इसमें लगा लेजर उपकरण दशकों तक एक्टिव रहेगा, दुनिया भर के मून मिशन को दिखाएगा दिशा। पायलट बोले, युवाओं से रोजगार छीन रही भाजपा सरकार में कहीं कोई सुनवाई नहीं। राजस्थान में अगले 2 दिन कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, अलवर में सर्दी से किसान की मौत, बीकानेर में सीजन की सबसे सर्द रात।